नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि डॉक्टर साहब अब होम्योपैथिक दवा नहीं बता रहे हैं और अन्य तरह के वीडियो डाल रहे हैं। ऐसा साथियों हम इसलिए कर रहे हैं कि इसकी इस समय वक्त को ज़रूरत है। आज जब ऐसी महामारियाँ वायरस के इन्फेक्शन फैल रहे हैं तो हमें अपने बॉडी को फिट रखना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमको जहाँ से भी जो भी रिसोर्स मिले, जो भी संसाधन मिले, जो भी नॉलेज मिले, हमें उसे अडाप्ट करना चाहिए। तो यही कारण है शायद कि हम इधर दवाओं के वीडियो कम डाल के आपको वो चीज़ें बता रहे हैं जो आपको जंग के लिए तैयार रहना है। जो अब आने वाला वक्त है, बीमारियों का वक्त है, तमाम वायरस हमला करेंगे और तमाम इसमें कैजुअलिटीज़ होंगी, तो हमको उसके लिए सजग रहना है। और इसीलिए मैं आपके सामने थोड़ा अपने होम्योपैथी से अलग हटके वीडियोस ला रहा हूँ, क्योंकि हम भी पढ़ाई कर रहे हैं। जब हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो नॉलेज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर को प्योर करने के लिए, बॉडी माइंड एंड सोल तीनों चीज़ों को प्योरिटी लाने के लिए, बैलेंस करने के लिए, हर आपके मन में जो सवाल उठ रहा होगा हर संभावित सवाल का जवाब दे देगा। बहुत ही रोचक वीडियो है साथियों, और हम आपसे कहेंगे कि इस वीडियो को देखें। वीडियो का मकसद साथियों ये है, इस वीडियो में ये बताया गया है कि डिटॉक्सिफिकेशन आपके लिए क्यों ज़रूरी है, आप इसको कैसे करें, किन परिस्थितियों में करें और कब करें। तो ये एक आपको अंडरस्टैंडिंग रखेगा कि हमको आखिर अपने जीवन को, शरीर को किस तरफ ले जाना है। तो यह वो सफ़र है और यह विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी के लिए है। वो युवा पीढ़ी जो आज खाने से पहले वक्त नहीं देख रही, जब जो जहां दोस्तों, साथियों, परिवार, घर बाहर, मोहल्ले, गली, सड़क में जो भी खाने को मिल रहा है वो खाने में इंटरेस्टेड है। तो आपको यह वीडियो देख के इस बात को समझना होगा कि बाद में दसियों लाख रुपए किसी नर्सिंग होम या अस्पताल को देने से अच्छा है थोड़ा सा अपने पे काबू कर लें, ताकि आप मर्ज से 99% तो बचे रहें, बहुत कम संभावना हो कि आपको मर्ज हो। मर्ज तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन जो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है वहाँ आपके शरीर में बहुत कम हो जानी चाहिए। यह इस वीडियो का मकसद है। चलते साथियों उस सफ़र पे, आपको बताते हैं आपके मन में संभावित तौर पे डिटॉक्सिफिकेशन को, शरीर के लिए उठ रहे सारे सवालों के जवाब देने की प्रयास है ये। साथियों, ये समस्या कहाँ से शुरू होती है पहले इस पे बात कर लेते हैं। पहले क्या होता था, आप इस बात से हमारे एक्नॉलेज करेंगे, इत्तेफाक रखेंगे, अग्री करेंगे कि पहले का वक्त था जब चीज़ें आसानी से नहीं मिलती थी। आज पैसा सब कुछ खरीद सकता है, आपके फ़ोन पे ऐप हैं, आपके गली गली दुकानें सजी हैं, मोहल्ले मोहल्ले, सड़क सड़क दुकानें सजी हैं। आप कहीं मॉल भी जाते हैं तो आप कोई सामान खरीदें ना खरीदें, लेकिन आप खाते पीते ज़रूर हैं, पीते नहीं खाते ज़रूर हैं, पीते भी हैं, मतलब कोल्ड ड्रिंक और लस्सी जो भी। तो पहले क्या था, खाद्य पदार्थ जो हैं वो आसानी से अवेलेबल नहीं थे, तो इंसान सीमित तौर पे खाता था। आज जब सब कुछ इतना ज़्यादा अवेलेबल हो गया है तो इंसान असीमित तौर पे खा रहा है, और यही आपकी समस्या की शुरुआत है। आपको साथियों अपने शरीर को बेहतर स्थिति में लाने के लिए आयुर्वेदा के तीन कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। ये बहुत पुराना, 5000 साल पुराना विजडम है, और अगर हम इसका इस्तेमाल अपने भले के लिए ना करें तो आप भी समझ सकते हैं आपके लिए क्या शब्द है अपने लिए मन में। तो हमको उसको इस्तेमाल करना है। पहला कंसेप्ट है साथियों वात, पित्त और कफ, और दूसरा कंसेप्ट है अग्नि, आम और ओजस। वात, पित्त और कफ आपके बॉडी का जो एनर्जी फ्लोज होते हैं उसका बेस होता है। जैसे कि वात होता है, वात के व्यक्तियों का डाइजेशन नॉर्मल होता है, थोड़ा स्मूथ होता है। यह रिप्रेजेंट करता है स्पेस और एयर को, थोड़ा पढ़िएगा इसके बारे में। और यह रिप्रेजेंट करता है आपके मूवमेंट को,
तो इसका जो पेशेंट होता है या इसको जिसको बात की कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका डाइजेशन जो है वह नॉर्मल होता है या नियर नॉर्मल होता है। दूसरा आता है पित्त। पित्त के व्यक्ति क्योंकि ये फायर एंड वाटर इस एनर्जी को गवर्न करता है तो इसका डाइजेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो अगर आपके बॉडी में बहुत जल्दी डाइजेशन हुआ जा रहा है तो आप पित्त के पेशेंट हो सकते हैं। फूड का एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर नहीं हो रहा और डाइजेशन अनडाइजेस्टेड फूड ही ऑब्जर्व करना पड़ता है तो वह जो है पित्त का मरीज होता है। और तीसरा होता है कफ। कफ यानी कि स्लो डाइजेशन। कफ जो है रिप्रेजेंट करता है आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को यानी कि अर्थ को और वाटर को। तो इसका जो मरीज होता है उसका डाइजेशन स्लो होता है। तो ये तीन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो आपको थोड़ा सा गूगल करके समझने पड़ेंगे अगर आपको वास्तव में अपने को सही तरफ ले जाना है। इन तीनों का विषय ये है आपका कोई भी डाइजेशन को ठीक करने में साथियों कि आपके बॉडी में एक अग्नि रहती है, डाइजेस्टिव फायर रहती है। यह डाइजेस्टिव फायर को कहते हैं अग्नि। यह आपके बॉडी के टॉक्सिन्स यानी अनडाइजेस्टेड फूड अमा को यह डाइजेस्ट करती है, डिजॉल्व करती है, फिनिश करती है। जब आपकी अग्नि कम होती है बॉडी में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में तो आपका टॉक्सिन्स ज़्यादा बॉडी में इकट्ठा होते हैं जिससे कि आपका जो ओजस होता है, इम्यूनिटी होती है वह कम हो जाती है और आप अपने को स्लगिश महसूस करते हैं। और आज आप देख रहे हैं तमाम वायरस के इन्फेक्शन उन्हीं को हो रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है। तो विषय हम लोगों का यह है डिटॉक्सिफाई करने का कि हमको अपनी अग्नि को रेगुलेट करना है, उसको इंक्रीज करना है, अमा को रिड्यूस करना है यानी टॉक्सिन्स को रिड्यूस करना है और ओजस को बढ़ाना यानी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। यही तीन विषय हैं आपके डिटॉक्सिफिकेशन के। अब साथियों विषय आता है कि हम लोगों को बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन में किस तरफ जाना है। दो स्थितियां हैं आपके सामने। एक है आप लाइट डिटॉक्सिफिकेशन कर लें यानी कि आप अपने खाने में कटौती करके उसको संयमित कर लें, शुगर, फास्टनर्स और जो ये सब होते हैं फ्रीज फूड, फ्रोजन फूड्स और पैक्ड फूड्स और जो आर्टिफिशियल फूड्स होते हैं या जो रिफाइंड फूड्स होते हैं उनको खाना बंद कर दें। और एक होता है हैवी डिटॉक्सिफिकेशन जिसमें कि आपको फास्टिंग की तरफ जाना पड़ेगा, व्रत रखने की तरफ जाना पड़ेगा जिसका बहुत अच्छा वीडियो हमारे पास है। तो यह चुनाव आपका है लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है आप जिस तरह भी अपने बॉडी को डिटॉक्स करें आपको उसके बाद फिर उन चीज़ों को अपने खाने में शामिल नहीं करना है। फ़र्ज़ कीजिए अभी वीडियो देखकर आप में जोश चढ़ा, आप खूब खाने लगे, ये वीडियो देख के आपको जोश चढ़ा और आप ने खाना बंद कर दिया, फास्टिंग पे आ गए या बहुत डिसिप्लिन कर लिया। तीन दिन बाद क्या हुआ साहब, आपको वापस जो है आपने उसके दुगनी गति से खा लिया तो यह आपके शरीर को ज़्यादा नुकसान करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक ग्लास है, एक ग्लास में मिट्टी का पानी भरा हुआ है, उसमें आपने थोड़ी सी रेत डाली, वो रेत आपको नहीं दिखेगी लेकिन जब आप उसमें और पानी डालते जाते हैं तो धीरे धीरे मट बह जाती, मिट्टी बह जाती है, फिर आप जब रेत डालेंगे तो रेत आपको पानी में दिखेगी यानी कि वाटर अब आपका उस रेत के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। सिमिलरली इज़ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, वैसे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। एक बार टॉक्सिन्स आपने निकाल दिए लेकिन अगर आपने वो टॉक्सिन दोबारा लिए तो वो आपके लिए ज़्यादा घातक होगा। तो अगर डिटॉक्सिफाई आपको करना है तो उसको जोश में करिए लेकिन होश में करिए और आराम से करिए। एक कहावत है वो हम लोगों ने खरगोश वाली कहानी सुनी है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया। तो आप आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है। एक महीने में आप अपने को बदला हुआ पाएंगे अगर आपने अपने खाने में संयम रख लिया। एक आपके पास बड़ा अच्छा तरीका है अपने बॉडी को डिटॉक्स करने का और वह है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप इसके बारे में बहुत कुछ सुन रहे होंगे, हमने सद्गुरु जी का एक वीडियो देखा था तो हम इंस्पायर हुए और ये हमने अपने दिनचर्या में फॉलो करना शुरू कर दिया। कुदरत कहती है कि आप स्वयं डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। यह जो बार बार खाने की आदत है यह छोड़नी पड़ेगी। आप एक लंच ले लें, ब्रेकफास्ट कोशिश करें लें। जब आप लंच लेते हैं और लंच मान लीजिए आपने 9 बजे 10 बजे लिया, आप काम पे चले गए, फिर आपने आके 7 बजे खाना खाया,
बीच में ये फास्टिंग हो गई आपकी, आपका बॉडी पूरे डिटॉक्स हो रहा है। 7 बजे के बाद फिर आपने रात में कुछ नहीं खाया, स्नैक्स वगैरह कुछ नहीं, सुबह जो है 7-8 बजे फिर आपने नाश्ता करा यानी ब्रेकफास्ट करा, यानी अपने फास्ट को, व्रत को तोड़ा, जो रात भर का व्रत है वो आपने तोड़ा। हल्का फुल्का आपने नाश्ता करा फलों के साथ या जैसे भी स्प्राउट्स के साथ, और फिर आपने बाद में लंच करा। तो यह जो पीरियड्स, एक्सटेंडेड पीरियड्स होते हैं, यह आपको साथियों बहुत फ़ायदा देंगे आपके बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन में, और यह कुदरती है, थोड़े दिन की बात है। अपने मन को आपको काबू में करना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में क्या होगा, आपका ब्लड, आपका जो बॉडी है वो ग्लूकोज की मांग करेगा, और जब आपको वो ग्लूकोज बार बार खाने पे नहीं मिलेगा तो आपको एंजाइटी होगी, लेकिन थोड़ी देर में यह खत्म हो जाएगी। तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा उपाय, बिना कष्ट के, बिना इसका बहुत शोर मचाए अपना काम सहलता और सहजता से करने का यह कारगर उपाय है। एक चीज़ साथियों, आप अपने दिनचर्या में और शामिल करिए, अपने डेली रूटीन में और शामिल करिए, वो है गुनगुना पानी पीना। गुनगुना पानी आपके बॉडी की सारी वेस्ट को ख़त्म करता है, वो एनर्जाइज हो चुका होता है। बात को समझने के लिए आप एक बात सोच सकते हैं, अपने घर में बर्तन खाने के होते हैं, घी तेल उसमें लगा होता है, जब आप उसे नॉर्मल पानी से धोते हैं तो वो उतने साफ नहीं होंगे, लेकिन जब आप उसको गर्म पानी से धोएंगे तो वो ज़्यादा साफ हो जाएंगे। तो आप जो है वह गुनगुना पानी पीना शुरू कर दीजिए। और मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा माननीय भगवती सिंह जी का, या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जो एक बड़ी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी भी रही है, वो 94 साल उम्र के हैं, भगवान उनको और लंबी उम्र दे, वो आज भी गुनगुना पानी पीते हैं। क्योंकि जब भी मेरे क्लिनिक आते हैं, मैं शिष्टाचार में उनसे जब उनके सामने ठंडे पानी की बोतल रखता हूँ बिस्लेरी की, तो उनका ड्राइवर एक थर्मस लेकर आता है जिसमें गुनगुना पानी भरा होता है। तो गुनगुना पानी सबसे बेहतर है, आप पिए, आपको लाभ होगा। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए साथियों, हमें अपने जो हम खाना खाते हैं उनमें कुछ बातों का और ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात ये साथियों, बाजार में जो रिफाइंड आ रहा है, आज हम लोग ढूंढते डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, इस तरह की वस्तुओं को ढूंढते हैं। आपको यह समझना पड़ेगा कि उन वस्तुओं से, उन खाद्य पदार्थों से नेचुरल स्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया गया है। तो आप इन विदेशी कंपनियों के चक्कर में ना पड़ें, कोशिश करें, कुछ चीज़ें एक्सेप्शन हो सकती हैं जिसमें रिफाइंड बेहतर हो, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह, तो कोशिश करें रिफाइंड फूड को कम लें। उसके बाद साथियों, प्रोसेस्ड फूड को कम लें, कोशिश करें हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं। खाना खाने के तभी खाएं जब वास्तव में आपको भूख लगे, थोड़ी देर भूख को बर्दाश्त करें, 10-15 मिनट फिर खाएं, उस वक्त आपकी जो जठर अग्नि है, जो आपके पेट की डाइजेस्टिव फायर है, वह बहुत इग्नाइट हो चुकी होगी, और आप जो खाएंगे बहुत डाइजेस्ट होगा। खाने के बाद तुरंत पानी ना पिए, वरना वो अग्नि, जो जठर अग्नि है, वो ठंडी पड़ जाएगी और आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। और खुशी से खाना खाएं, खूब उसमें स्पाइसेस का इस्तेमाल करें, स्पाइसेस का इस्तेमाल अच्छा होता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, इन सब बातों को अब आप, मैं चाहूँगा कि, मेरी इच्छा है कि आप लोग मेरे शुभचिंतक हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मुझे मानते होंगे तभी मेरा वीडियो देख रहे हैं। आप इस सारी इन्फॉर्मेशन को अब एक जगह अपने दिमाग में कंपाइल करिए और एक स्वस्थ जीवन की तरफ बढ़ जाइए, क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि हमारा दिमाग को गवर्न करने का एक तरीका हमारे मुँह का स्वाद भी है। तो हम जैसा खाएंगे वैसा हमारा दिमाग चलेगा। तो ये कुछ बात थी डिटॉक्सिफिकेशन को लेके। ये मुझे चिंता थी आपके विषय में कि बीमारियों के दौर में आपका मेहनत का पैसा कहीं पानी की तरह बहना जाए। अभी भी वक्त है, आप सजग हो जाइए, आप ठीक हो जाएंगे। मन में आपके कोई क्वेरी हो साथियों, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं या यूट्यूब नोटिफिकेशन में क्वेरी लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे आपकी बात का सही जवाब दे पाएं। साथियों,
बहुत मेहनत लगती है कोई भी वीडियो बनाने में, उसकी एडिटिंग प्रोसेसिंग करने में। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा होगा, अन्य साथियों से सब्सक्राइब कराइएगा और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले हमारा सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ब्रह्मार्पणम् ब्रह्माविहि ब्रह्माग्नौ ब्रह्महुतम् ब्रह्म तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम साथियों यह मंत्र है आपको भोजन से पहले ब्रह्म जी ने, भगवान ने, ऊपर वाले ने आपको जो भी दिया है उसको धन्यवाद करने का। यह भोजन एक यज्ञ होता है, आप ब्रह्म ही, जो आप भोजन करते हैं वह भी ब्रह्म है, जो आपका डाइजेशन होता है वह भी ब्रह्म है। जिस तरह आपको यज्ञ होता है तो उसमें जो आप लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं वह भी ब्रह्म है, जो अग्नि है वह भी ब्रह्म है, जो आप घी डालते हैं वह भी ब्रह्म है, और जिस चम्मच से आप घी डालते हैं वह भी ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म है क्योंकि सब कुछ ब्रह्म में ही लीन हो जाना है। इसलिए खाने से पहले हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, वह मैं चाहता हूँ कि भोजन से पहले इस मंत्र को अवश्य पाठ करें। यह सब कुछ ताकतें हैं जो आज साइंस में एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये परसिस्ट करती हैं। बात अच्छी लगी हो हमारी साथियों तो आप इस मंत्र को अवश्य भोजन से पहले पढ़ के ही भोजन ग्रहण करिएगा, क्योंकि अंग्रेजों की ये कहावत गलत है, यू आर वॉट यू ईट। हिंदुस्तान की जो सही कहावत है वो ये है, यू आर वॉट यू डाइजेस्ट। तो अगर आप भगवान की आराधना करके भोजन करेंगे तो शायद उसका डाइजेशन अच्छा होगा। जिस भी आप धर्म के हैं उस धर्म का आप जो है वह मंत्र बोल सकते हैं, वह लाइनें पढ़ सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले को याद खाने से पहले ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके सामने खाना आया है, उसकी बड़ी कृपा है जो आपके सामने खाना आया है।